वेलकम टू टीएचके टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीएससी के माध्यम से आप बीओसी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है बीओसी। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीओसी वर्कर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वेलकम टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा के लिए है, और नीचे मिलेगा आपको लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे आपको न्यू बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भरना है, तो मैं जल्दी से आपको भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मिलेगा आपको नेम ऑफ वर्कर, तो आपको वर्कर का नेम डालना है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेम ऑफ फादर्स, तो आपको फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मेल तो या फीमेल, तो यहाँ पे मेल कर देता हूँ। यहाँ पे मिलेगा प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने लिए है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत डालनी है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेम ऑफ हैबिलिटेशन, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, तो आपको अपना जो पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे मिलेगा आपको नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस पिन नंबर, तो आपको जो भी आपका पिन है वो आपको डालना है। नेम ऑफ सब डिवीजन, तो आप किस डिवीजन से हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इस पर कैलेंडर पर क्लिक करके डालनी है, जो भी आपकी होगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी होगी आप यहाँ से सेलेक्ट करके पूरी आपको डालनी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन द एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालनी है जितनी भी आपकी होगी, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ बीकॉम। फिर आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम एड्रेस ऑफ द वेयर एप्लीकेंट हैज बीन वर्क रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर अपना जो भी वर्क का फॉर्म है आपका वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालना है। नेचर ऑफ जॉब, तो किस प्रकार की आप जॉब करते हैं वो भी आपको यहाँ पर डालनी होगी, जैसे हेल्पर, पेंटर, प्लम्बर। और आपको नीचे चलना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओनली ऑफ 20 रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है। नेम ऑफ बैंक ब्रांच, तो आपको यहाँ पे जो उस बैंक की आपकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको यहाँ पे डालना है बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड, फैमिली इनकम, PMSY कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है आपको, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर EPPI आपको यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर डालना है, राशन कार्ड संख्या डालनी है। फिर आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसी जो सी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना श्रमिक कार्ड नंबर डालना है। RU आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर, अगर हैं आप तो यस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नंबर डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आपको यहाँ पे फोटो डालना है, तो आप फोटो पर क्लिक करके चूज फाइल पर आप अपनी फाइल में आके फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अपलोड सिग्नेचर डालने हैं, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा
फाइल साइज आपको 200 KB से नीचे का ही डालना है। अगर इससे ऊपर आप अपलोड करते हैं तो आपका फोटो साइन सर्टिफिकेट आपका अपलोड नहीं होगा। चलो मैं और नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल डालनी है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ। फिर आपको नॉमिनी की एज डालनी है, जितनी भी नॉमिनी की डेट एज होगी, जितने भी आपके परिवार में मेंबर हैं वो आपको सभी की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है नॉमिनी के तौर पर। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो नीचे मिलेगा आपको एक सबमिट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख के रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेनिफिशरी आईडी मिलेगी, जो कि मैंने अभी बताया था, वो आपको यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बेनिफिशरी डिटेल में बेनिफिशरी आईडी मिल जाएगी, सीएससी आईडी मिल जाएगी, बेनिफिशरी नेम मिल जाएगा, फादर्स नेम मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, अप्लाई डेट मिल जाएगी, जो पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इसी प्रकार बीओसी कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।